नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, मकान को किराए पर देना और लेना हमारी सोसाइटी की जरूरत है। काफी लोगों को अपने घर से दूर एजुकेशन, बिजनेस या जॉब आदि के सिलसिले में घर किराए पर लेकर रहना पड़ता है। प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए भी ये एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, लेकिन कई बार किराएदार हावी होने लग जाते हैं और प्रॉपर्टी ओनर्स को खुद को जरूरत होने पर भी घर आसानी से सालों तक खाली नहीं हो पाता। इसलिए कई लोग तो प्रीमिसेस खाली होने के बावजूद भी किराए पर नहीं देते, क्योंकि वो ये मानकर चलते हैं कि कोर्ट सिक्के जरिए किराएदार से मकान खाली करवाना थोड़ा मुश्किल और टाइम लगने वाला काम है। ऐसे में क्या किया जाए कि प्रॉपर्टी ओनर को खाली पड़े मकान के किराए का नुकसान भी ना उठाना पड़े और उसे जरूरत होने पर घर का पजेशन भी वापिस मिल जाए, इसी विषय पर आज हम बात करने वाले। दोस्तों, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की सेक्शन 8 में एक नया कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड पीरियड टिनेंसी, मतलब सीमित अवधि की किराएदारी का। लिमिटेड पीरियड टिनेंसी का मतलब है कि जब किसी प्रॉपर्टी ओनर को अपना घर किराए पर देना है तो वो किराए पर देने के टाइम ही तय कर सकता है कि वो उस घर को कितने टाइम तक के लिए किराए पर देगा, और फिर उतने ही टाइम के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाकर उतने टाइम बाद के लिए किराएदार की बेदखली की डिक्री एडवांस में कोर्ट से ले सकता है। थोड़ा थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना, आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट में होता ये है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देते हो तो किराए पर देने के टाइम ही कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर आप रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के दिन के लिए किराएदार के खिलाफ बेदखली की डिक्री कोर्ट से एडवांस में ले सकते हो, और जिस दिन आपका रेंट एग्रीमेंट खत्म होगा उस दिन के बाद आपको कोर्ट में केवल डिक्री के एग्जीक्यूशन यानी पालना की कार्यवाही करनी पड़ेगी। अब इसके लिए पूरी प्रोसेस क्या है, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो रेंट एग्रीमेंट में किराएदार और प्रॉपर्टी ओनर को वो टर्म यानी अवधि तय करनी है जिसके लिए घर को किराए पर दिया और लिया जा रहा है। ये टर्म 1 महीने से 3 साल के बीच हो सकती है, लेकिन 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं। फिर इसको एक रेंट एग्रीमेंट तैयार करना होगा और दोनों पार्टीज को यानी किराएदार और प्रॉपर्टी ओनर को एक जॉइंट एप्लीकेशन कोर्ट में पेश करनी होगी, जिसमें लिखा जाएगा कि किराएदार ने अमुक टर्म यानी अवधि के लिए मकान को रहने के लिए किराए पर लिया है जिसके लिए परमिशन दी जाए, और वो टर्म पूरी होने की तारीख के लिए किराएदार की बेदखली के लिए डिक्री यानी प्रीमिसेस का पजेशन वापस प्राप्त करने के लिए सर्टिफिकेट जारी किया जाए। दोस्तों, लीगल प्रोविजन में हर शब्द की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के इस प्रोविजन में दो चीजें काफी इम्पोर्टेंट है। पहली तो ये कि इस सेक्शन में कोर्ट से एडवांस डिग्री लेने के लिए किराएदारी की टर्म 3 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरी ये कि प्रॉपर्टी को केवल रहने के लिए यानी निवासीय प्रयोजन के लिए ही किराए पर दिया गया हो। यदि कोई कॉमर्शियल पर्पज से किसी प्रॉपर्टी को किराए पर लिया जा रहा है तो ये सेक्शन लागू नहीं होगी और कॉमर्शियल पर्पज से किराए पर ली गई प्रॉपर्टी के लिए एडवांस डिक्री जारी नहीं की जाती है। रेंट ट्रिब्यूनल के सामने ऐसी जॉइंट एप्लीकेशन पेश होने पर रेंट ट्रिब्यूनल तुरंत प्रीमिसेस को किराए पर देने के लिए परमिशन दे देता है, और जितने टाइम के लिए रेंट एग्रीमेंट किया गया है उतने टाइम के बाद प्रभावी होने वाला मकान के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए सर्टिफिकेट इश्यू करके दे देता है। अब जिस दिन किराएदारी की टर्म खत्म होगी उसके तुरंत बाद या तो किराएदार खुद घर को खाली करके प्रॉपर्टी ओनर को कब्जा संभला देगा, और अगर किराएदार ऐसा नहीं करता तो प्रॉपर्टी ओनर को केवल एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन पेश करनी है, जिस पर कोर्ट तुरंत ही घर को खाली करवाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। यहाँ एक बात ध्यान रखने लायक है कि किराएदारी की टर्म खत्म होने के तुरंत बाद एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन पेश की जानी जरूरी है। यदि इसमें मकान मालिक लापरवाही करता है और किराएदारी की टर्म खत्म होने के 6 महीने तक भी एग्जीक्यूशन फाइल नहीं करता तो फिर उसे किराएदार की बेदखली के लिए नए सिरे से केस ही फाइल करना पड़ेगा, और उसके फेवर में मकान का कब्जा प्राप्त करने का प्रमाण पत्र किसी काम नहीं आ सकेगा। एक बात और भी इम्पोर्टेंट है कि लिमिटेड टर्म टिनेंसी करके एडवांस डिग्री किसी एक मकान के संबंध में अधिकतम 3 बार ही ली जा सकती है। एक ही परिसर के संबंध में 3 बार से ज्यादा
इस सेक्शन के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता। दोस्तों, काफी लोग सवाल करते हैं कि अगर किरायेदारी की टर्म खत्म होने पर हमें कोर्ट ही जाना पड़ेगा तो एडवांस डिक्री का क्या फायदा। तो इसको समझिए कि कोर्ट आपको केवल एग्जीक्यूशन के लिए जाना है, आपको ये लड़ाई तो लड़नी ही नहीं पड़ेगी कि घर को खाली करवाया जाए या नहीं। और किरायेदार की बेदखली में जितना टाइम निकलता है वो मूल बेदखली के केस में डिक्री प्राप्त करने में निकलता है, एग्जीक्यूशन ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। यहां तो डिक्री आपको रेंट एग्रीमेंट के तुरंत बाद मिल गई है, तो ये काफी अच्छा प्रोविजन है जिसका फायदा रेजिडेंशियल प्रीमिसेस को किराए पर देने के टाइम उठाया जा सकता है। दोस्तों, आपके और भी कोई सवाल है, आप किसी लीगल मैटर पर हमारी टीम से डिस्कस करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके कॉल बुक भी करवा सकते हैं, कॉल चार्जेबल होगी। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।